consumers, then my dear students, there must be certain responsibilities also. Consumers should be responsible also, because who help themselves, only then the law will going to help them, right? So today's session is about the responsibilities of consumers. Hello, my dear students. Let's start this session by discussing what are those major things जिस पर consumers को बहुत ध्यान देना चाहिए and that they should not at all ignore this. So unit 12, this topic is responsibilities of consumers. Consumers have the following responsibilities. The first is be knowledgeable. जागरूक बनिए. आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए. हमेशा ऐसे मार्केट में जाइए कि आप जिस प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, यू शुड ऑलरेडी सर्च ऑल अबाउट दैट. आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी ही सारी इंफॉर्मेशन है. सो बी नॉलेजेबल अबाउट द न्यूमरस आइटम्स ऑन द मार्केट सो दैट यू कैन मेक एन डैश एंड एजुकेटेड डिसीजन. आप पहले से ही एक इंफॉर्म्ड और एजुकेटेड डिसीजन ले सके, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, हाउ टू यूज इट, व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर इन्वॉल्वड इन दिस, और उसका एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो सकता है, तो इससे क्या होता है कि आपको अगर शॉपकीपर थोड़ा मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी करने की कोशिश करेगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा दैट ही इज गिविंग मी द फॉल्स इंफॉर्मेशन. सो ट्राई टू रीड इट फ्रॉम द इंटरनेट अबाउट दैट प्रोडक्ट, और इफ सम ऑफ योर नोन और फ्रेंड इज यूजिंग दैट प्रोडक्ट, तो उनसे उनके रिव्यूज जानिए, पूछिए ये कितने प्राइस में आपको अवेलेबल था एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो इससे क्या होगा, आपको ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की एक नॉलेज, एक आइडिया मिल जाएगा. देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स. स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर द ब्रांडेड और हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स. स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स मींस द प्रोडक्ट्स जिन पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो सर्टेन मार्क्स दिए गए हैं, वो अगर उन पर प्रॉपर है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड से अबव है, उस स्टैंडर्ड को क्रॉस कर चुका है. सो जब भी आप कोई सामान लेने जाते हैं, परचेज ऑलवेज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स. और वो स्टैंडर्डाइज्ड कब होते हैं, लुक फॉर द ISI मार्क. अगर कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स आप लेने गए हो, तो शॉपकीपर से पूछे कि इसका SI मार्क है कि नहीं, कहाँ पर है. FPO लेबल अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, ईटेबल्स ले रहे हैं. अगर आप कोई ज्वेलरी ले रहे हैं, तो हॉलमार्क प्रोडक्ट हमेशा उसका चेक करिए. हॉलमार्क जो उनके लिए एक साइन दिए गए हैं स्पेशली, तो ये क्या बताते हैं, ISI मार्क, हॉलमार्क, FPO, कि दीज प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड इन नेचर. The next responsibility of a consumer is follow general instructions. You should always follow all the instructions of the product. How? Follow the product's instructions and learn about the dash linked with it. Right? जो भी उन पे कोई hazard है, उस hazard को अच्छे से check कीजिए कि इससे ये hazard हो सकता है. आपको जैसे भी उस प्रोडक्ट पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैसे उसको यूज़ करना है, अकॉर्डिंगली ही उसे यूज़ कीजिए. ऐसे नहीं है कि जो इंस्ट्रक्शंस है आप उनसे उनको हटके आप अपने ही कुछ और तरीके से यूज़ करोगे, तभी वो सेफली यूज़ होंगे और तभी वो आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करेंगे. द नेक्स्ट इज कॉशियस परचेजिंग. व्हेन यू गो फॉर परचेजिंग मार्केटिंग, purchase cautiously, taking everything in mind. Open your eyes when you are in market. Be aware. So, carefully read the labels. जो भी labels पे price है, manufacturing date है, expiry date है, everything, कितने weight का product है, ये सारी information पढ़नी चाहिए, तभी उस product को लेकर आइए. I told you about price, net weight, manufacturing date, expiration dates and other things. अगर आप particular कोई ingredient जिससे आपको allergy है, तो वो ingredient check करिए कि इसमें वो allergic product तो नहीं है. Then, assert yourself. Assert yourself means जब आप उस प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, तो खुद से ये मान के चलिए कि ये प्रोडक्ट आपने अच्छे से खरीदा है. जब आपको अच्छे से पूरा विश्वास हो जाए, तभी उस प्रोडक्ट को लेकर आइए. Assert yourself means to guarantee
अपने आप को ये तसल्ली देना, गारंटी देना दैट यू ऑप्ट इन अ फेयर बार्गेन, आपने बहुत फेयर बार्गेन से और फेयर प्राइस से उस प्रोडक्ट को खरीदा है, ठीक है। आपको एक बार भी ये नहीं लगना चाहिए अरे मैं तो महंगा ले आया शायद, या मुझे ये प्रोडक्ट कहीं और जाकर ज़्यादा अच्छा मिल सकता था। सो व्हेन यू गेट कंप्लीट एश्योरिटी एंड यू आर अश्योर्ड, तभी उस प्रोडक्ट को लेकर आइए। आफ्टर देन इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू बिकम ऑनेस्ट टू द सेलर और मैन्युफैक्चरर, ओनली देन दे विल गिव देयर बेस्ट प्रोडक्ट आपको। सो बी ट्रूथफुल इन इंट्रैक्शन, जब भी आप इंट्रैक्ट करते हैं उनको सारी सच्चाई बताइए सर प्रोडक्ट के बारे में, कि मेरे को इतनी रेंज में प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, या मुझे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एलर्जी है, मुझे ये नहीं चाहिए। एंड बाय ओनली द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज लीगली अलाउड है उन्हीं को खरीदिए। इससे क्या होगा, अगर कोई सेलर जो कि अनएथिकल मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे और वो भी कहीं ना कहीं डिस्करेज होंगे इन चीज़ों को सेल करने से। तो ऐसे सेलर से बाय मत कीजिए, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन अनएथिकल मेथड्स लाइक ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग। आफ्टर देन कैश मेमो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर एन इंटेलिजेंट बायर, तो कैश मेमो हमेशा लेकर चलना चाहिए, लेकर चलना चाहिए और लेकर जाना चाहिए। सो व्हेन परचेजिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस हायर करते हो, परचेज करते हो, हमेशा उनसे कैश मेमो लीजिए। कैश मेमो इज अ रिसीट, ओके, इट्स अ स्लिप कि आपने वहां से क्या खरीदा है, कितने में खरीदा है, एंड हाउ, वाई, बिकॉज दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर, दिस विल सर्व एज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन। कभी भी अगर कल कहीं ज़रूरत पड़ गई, वो तो आपको सिंपल कह देंगे ना कि लाइए रसीद दिखाइए, हमें रसीद दिखाइए इस चीज़ की, तो आपको वो ऑलरेडी ही उनसे मांग लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, सेलर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं आपको कैश रिसीट देने की, और इन फ्यूचर कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हो जाती है, तो आपके पास अगर कैश मेमो नहीं होगी, यू कैन नॉट टेक इवन अ फर्स्ट स्टेप। आफ्टर देन इज कंज्यूमर सोसाइटीज। कंज्यूमर सोसाइटीज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस्टेब्लिश कंज्यूमर सोसाइटीज, जितना बड़ा आप अपना कंज्यूमर्स का एक ग्रुप बना सकते हो वो बनाइए, इन्वॉल्व होइए, जो कि क्या होंगे, दैट विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंज्यूमर्स मार्केट, ओके, कंज्यूमर्स मार्केटिंग एंड प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स की मार्केटिंग में वो इन्वॉल्व होंगे, प्रोटेक्शन देने में हेल्प करेंगे, है ना, जितने ज़्यादा लोग उतनी ही ऊँची आवाज़, वो आपकी आवाज़ को और आगे लेकर जाएंगे, राइट। कंज्यूमर्स एजुकेशन में वो आपको हेल्प करेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देन वी हैव कंज्यूमर्स एजुकेशन, द नेक्स्ट इज टेक एक्शन वेन एवर नीडेड। कभी भी आपको लगता है कि आपके साथ या आपके किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ कुछ गलत हुआ है, स्टेप लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जनरल पब्लिक भी अवेयर होगी और जो गलत करने वाला है सेलर या मैन्युफैक्चरर वो भी अवेयर रहेगा, वो कल किसी और के साथ गलत नहीं करेगा। इन द इवेंट ऑफ अ डिफेक्ट इन अ क्वालिटी, में कोई डिफेक्ट है या आपने कोई आइटम परचेज किया है, सर्विस ली है, उसमें कोई दिक्कत है, हमेशा एक कंप्लेंट लीजिए, क्योंकि डिफेक्ट अगर हुआ है तो आज आपने फेस किया है, कल किसी और के साथ वो चीज़ हो सकती है, राइट। सो इवन इफ सम इन्वॉल्व्ड इज मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मीन्स बहुत ही कम रेंज का सामान है, बहुत सस्ता सा सामान है, उसमें कोई कहेगा अरे यार छोड़ ना, क्यों ज़्यादा उसमें जाते हैं, बट डोंट हेजिटेट टू टेक एक्शन, बिकॉज योर एक्शन कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। द नेक्स्ट इज अवॉइड लिटरिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कंज्यूमर एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, इफ यू आर पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अगर आप उनके लिए कुछ करोगे तो इन्वायरमेंट भी आपको देगा। एंड अवॉइड एनी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व ना होइए जो कि कल आपको ही इफेक्ट करेगी, इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो। सो विद दिस, दिस सेशन इज अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। आपको राइट्स के बारे में मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझाया कि एक कंज्यूमर का हक क्या होता है, बट दिस सेशन फुलफिल्स ऑल द टॉपिक, बिकॉज यहाँ पर अब ये भी पता लग गया कि कंज्यूमर की ड्यूटी क्या बनती है।
आपको हमेशा ये नहीं है कि हमेशा यू शुड डिपेंड ऑन योर राइट्स ओनली. फर्स्टली यू हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और कस्टमर ऑल्सो. सो विद दिस सेशन इज ओवर. आई होप यू एंजॉय. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट.